गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के सब्जेक्ट से मोहर सर्किल का पार्ट वन। मोहर सर्किल यानी पर्पस ऑफ मोहर सर्किल क्या है स्टूडेंट्स? विजुअल टूल यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रेसेस दैट एग्जिस्ट एट ए गिवन पॉइंट इन रिलेशन टू द एंगल ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द स्ट्रेस एलिमेंट। एंड नेक्स्ट है, देयर आर फोर पॉसिबल वेरिएंटेशन इन मोहर सर्किल डिपेंडिंग ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन आर डिफाइन। स्टूडेंट, विजुअल टूल यानी जो दृश्य उपकरण हैं, दृश्य उपकरण का उपयोग टेंशन को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जो टेंशन एलिमेंट के अभिविन्यास के एंगल के संबंध में मौजूद है। एंड नेक्स्ट है हमारा, जो पॉजिटिव डायरेक्शन के बेस पर मोहर सर्किल के फोर पॉजिटिव वेरिएशन हैं, इसके हमारे पास फोर पॉजिटिव बदलाव हैं हमारे पास। नेक्स्ट में हम स्टूडेंट देखेंगे कि हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास। कंस्ट्रक्शन ऑफ मोहर सर्किल फॉर लाइक स्ट्रेसेस, जैसे कि हमारे पास दो स्ट्रेस हैं, इनका हमें मोहर सर्किल ड्रॉ करना है। इसकी स्टेप हमारी क्या है, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास है, इसमें दो स्ट्रेस लगी हुई हैं, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। स्टेप सेकंड में क्या करना है हमें, सेटअप एक्सिस फॉर ऑल डायरेक्ट स्ट्रेसेस इन एक्स एक्सिडेंट एंड शेयर स्ट्रेस इन वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में डायरेक्ट स्ट्रेस, वाई एक्सिस में शेयर स्ट्रेस हम शो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप थर्ड हमारे पास, हमने एक्स एक्सिस में शेयर डायरेक्ट स्ट्रेस और वाई में शेयर स्ट्रेस शो किया है। हमने देख लिया है कि हमारा सिग्मा वाई कितना है, हम देखेंगे सिग्मा वाई हमारा कितना। इस ग्राफ पर हम इस तरफ बढ़ेंगे, सपोज करो सिग्मा वाई हमारा जो है टेन, सिग्मा वाई हमारा टेन जो है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, और सिग्मा एक्स जो है हमारा, सिग्मा एक्स हमारा 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। स्ट्रेस की यूनिट स्टूडेंट्स सभी को पता होगी कि न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। अब नाउ स्टूडेंट्स, हम ग्राफ पर इस तरफ बढ़ेंगे, हमारा सिग्मा वाई भी पॉजिटिव है, सिग्मा एक्स भी पॉजिटिव है। अभी यहाँ पर हमें पता नहीं है कि सिग्मा वाई कितना है, बट एग्जांपल के लिए हम ले ले रहे हैं कि अगर हमारा 10 होता तो हम इसका स्केल एज्यूम करते, स्केल एज्यूम ऐसा करते कि पूरे कॉपी पर हमारा ये ड्रॉ हो जाए, हम जो है 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इक्वल टू हम एज्यूम कर लेते 1 सेंटीमीटर। एंड तो हमारा इसी तरह से 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हमारा हो जाता 8 सेंटीमीटर। तो हम 8 सेंटीमीटर पर हमारे जो कोऑर्डिनेट इसके मिलते हमें सिग्मा वाई, क्योंकि यहाँ पर हमारी शेयर स्ट्रेस जो ऑब्जेक्ट हमारा ये था, ऑब्जेक्ट पर हमारा शेयर स्ट्रेस नहीं लगी हुई है, दो डायरेक्ट स्ट्रेस लगी हुई है। तो इस प्लेन पर जो हमारी स्ट्रेस होगी वो सिग्मा एक्स है, उसके कोऑर्डिनेट हमारे होंगे सिग्मा एक्स इंटू जीरो। ये हमारे जो शो होंगे डायरेक्ट स्ट्रेस पर सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स हमारा जो है इसके कोऑर्डिनेट हमारे होंगे सिग्मा वाई और जीरो, सिग्मा वाई एंड जीरो होंगे, सिग्मा एक्स एंड जीरो होंगे। यहाँ पर दूसरा कोऑर्डिनेट तब होता अगर यहाँ पर शेयर स्ट्रेस भी होती इस प्लेन पर, शेयर स्ट्रेस इस तरह से हम शो करते कि टाओ एक्स वाई, बट यहाँ पर ये यहाँ पर जो है नहीं है, यहाँ पर केवल दो स्ट्रेस हमारी लगी हुई हैं, ये इसलिए यहाँ पर नहीं है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर जीरो है। तो इस प्लेन पर जो हमारे कोऑर्डिनेट होंगे सिग्मा एक्स जीरो और इस प्लेन पर सिग्मा वाई जीरो। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिग्मा वाई की पॉइंट हम यही लेंगे क्योंकि हमारा शेयर स्ट्रेस नहीं है, तो शेयर स्ट्रेस ऊपर की तरफ हम चलेंगे नहीं, वो जीरो पर ही रहेगा। सिग्मा वाई हम इस तरफ बढ़ेंगे, इसी तरह से सिग्मा एक्स भी हम इस तरफ बढ़ेंगे।
नेक्स्ट आगे की तरफ अगर 8 होगा तो 8 सेंटीमीटर बढ़ेंगे हम। यहाँ पर दूसरा कोऑर्डिनेट भी हमारा सिग्मा एक्स के साथ में 0 था तो यहीं पर हम लेंगे। नाउ स्टेप 4 में हम क्या करना है, हमें जो दोनों स्ट्रेस हैं हमारी दोनों स्ट्रेस का हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज का हमारा फॉर्मूला सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 है। एवरेज हमने ले लिया, ये एवरेज आ गया यहाँ पर दोनों स्ट्रेस का यहाँ पर इस तरह से, और इन दोनों स्ट्रेस के बीच का सेंटर भी यही आ गया हमारा। दोनों स्ट्रेस के बीच का हमारा सेंटर देख लेंगे कहाँ पर है, और इस सेंटर पर हम यहाँ से यहाँ तक पुरकार के डिस्टेंस लेंगे ये कंपास के थ्रू, और एक सर्किल हम ये इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। स्टूडेंट्स यही हमारा मोर सर्किल है। ओके स्टूडेंट्स एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि सिग्मा वाई हम यहाँ पर पॉइंट लेंगे। सिग्मा वाई हमारे एक प्लेन के कोऑर्डिनेट सिग्मा वाई और 0 हैं, सेकंड के सिग्मा एक्स एंड 0 हैं। सिग्मा एक्स ज़्यादा है सिग्मा वाई से, इसलिए सिग्मा वाई कम डिस्टेंस पर है इस ओरिएंट पॉइंट पर जो हमारा मूल बिंदु होता है, और सिग्मा एक्स वाई इसके पास में है, और सिग्मा एक्स ज़्यादा है तो दूर होगा, यानी 8 है तो ज़्यादा होगा, 1 है तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर होगा, ये 8 सेंटीमीटर आके डिस्टेंस पर आगे बढ़ेगा, और इसका हमने दोनों का सेंटर लिया और सर्किल हमने ये ड्रॉ कर दिया इस तरह से यहाँ पर। और इसका जो हमारा एवरेज जो स्ट्रेस होती है दोनों की, एवरेज हमने इस फॉर्मूले से निकाल ली, एवरेज पॉइंट हमारा ये आ गया और सेंटर मोर सर्किल का यहीं पर आ गया, यानी इस ओरिएंट पॉइंट से हमारा जो सेंटर है मोर सर्किल का वो इतनी डिस्टेंस पर है, उसकी वैल्यू हम ऐसे निकाल पाएंगे। सपोज़ करो हमारी ये 2 थी सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स हमारा 8 था, तो सेंटर मोर सर्किल का आ जाएगा 8 और 2 10 यानी 5, यानी यहाँ से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर मोर सर्किल का सेंटर है। बट यहाँ से जो हमारा होगा डिस्टेंस ये सेंटर की वो कितनी होगी स्टूडेंट्स, वो हमारी होगी दोनों का सेंटर यहाँ से 2 6, यहाँ से 1 माइनस हो गया तो ये 7 बचा, यहाँ 3.5, यहाँ से 3.5 होगा, और ये भी हमारा क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस हमारी 8 है, 8 हो गई, और ये 1 है, ये 7 है, 3.5 यहाँ सेंटर हो गया। बट यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा हमारा, ये 1 और 8 9 9 बाई 2 हमारा 4.5, तो 1 माइनस होगा तो 3.5 यहाँ से बिल्कुल एक्यूरेट आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, स्टेप 4 में हमें क्या करना है, एट द सेंटर सी ड्रॉ ए लाइन सी पी एंड एट एन एंगल टू थीटा सम डायरेक्शन, जैसे कि ये हम डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट का कोई हमारा एंगल होता, ये हमारा कट किया हुआ ऑब्जेक्ट होता है थीटा, मैंने आपको क्लास में बताया था बहुत बार कि जो नॉर्मल स्ट्रेस होती है हमारी इस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर होती है, और जो शियर स्ट्रेस होती है वो टाउ इस तरह से प्लेन के पैरेलल होती है, जो हमें दोनों निकालनी होती है सिग्मा एन और टाउ। इस तरह से हम यहाँ से हमने मोर सर्किल ड्रॉ कर दिया था लास्ट, अभी मैंने आपको बताया मोर सर्किल ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से जितना हमारा एंगल होगा उसका सेंटर पॉइंट से हम चांद यहाँ पर रखेंगे एंगल वाला देखने के लिए कि कितना एंगल है हमारा, 2 थीटा हम यहाँ से रखेंगे वो एंगल के लिए, एंगल हम फिर यहाँ से देखेंगे हमारा 2 थीटा यहाँ पर बैठ रहा है, इस सर्किल पर पॉइंट लगा लेंगे और इस सर्किल को ऐसे ही इस पर परपेंडिकुलर लम्ब डाल देंगे, ये परपेंडिकुलर यहाँ तक। अब ये स्टूडेंट जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस हमारी सिग्मा एन होती है, जो हम नॉर्मल स्ट्रेस हम ये निकालते हैं सिग्मा एन हमारी यहाँ से यहाँ तक होती है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक है डिस्टेंस ये हमारी टाउ होती है कि हमारा शियर स्ट्रेस कितना है। इस तरह से हम ये डिनोट कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे अभी कि हम ये, मैंने आपको बताया कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सिग्मा एन और ये टाउ है आपकी। ओके स्टूडेंट्स एवरेज मैंने आपका ये फॉर्मूला बताया ही था, तो इस तरह से हम ये ड्रॉ कर पाए हैं, यानी कि ओ सी इक्वल टू ओ सी ओ और सी, इसकी वैल्यू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 एम सी एम एम हमारा कहाँ पर है, एम ये है और सी इसकी रेडियस जो मोर सर्किल की है वो ये आएगी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। मोर सर्किल की रेडियस जो है एम सी इक्वल टू सी पी एंड सी एल इक्वल आएंगी मोर सर्किल की रेडियस। पी आर, पी आर हमारी जो नॉर्मल स्ट्रेस है यहाँ से यहाँ तक, पी आर बोल सकते हैं या क्यू ओ भी हम इसको बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो हमारी नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। ओके स्टूडेंट्स
सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू पी आर। ओके स्टूडेंट्स, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कोस टू थीटा, ये फॉर्मूले से हम सिग्मा एन निकाल लेते हैं, बट यहाँ से हम डायरेक्ट सिग्मा एन की वैल्यू ये फाइंड आउट कर सकते हैं स्केल से लेकर, स्केल से हमारा जितना सेंटीमीटर आएगा और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, सपोज करो हमारा ये आया है कि 7 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आई है, तो हम इसके साथ में मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, 110 हमने लिया था 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर हम इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी नॉर्मल स्ट्रेस की जो इसके इक्वल है। पी क्यू जो है हमारा ये पी और क्यू शियर स्ट्रेस, मैंने बोला था कि शियर स्ट्रेस की वैल्यू है यहाँ से सी पी साइन टू थीटा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा इसकी वैल्यू होगी, ये हम यहाँ से भी नोट कर सकते हैं सेंटीमीटर में आएगी, और इसकी मल्टीप्लाई हम 10 न्यूटन यानी जो भी हम स्केल लेंगे उसी हिसाब से उसके साथ में उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज करो हमने 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिया था, और इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जितने भी सेंटीमीटर आएंगे उसके साथ में हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा एन की और टाउ की। इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मोहर सर्किल हमें इस बार किसका बनाना है कि सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई अपोजिट साइन होंगे इनके, अपोजिट साइन का मतलब है नेगेटिव, ये सिग्मा वाई कंप्रेसिव है, सिग्मा वाई यहाँ पर कंप्रेसिव है, सिग्मा एक्स पॉजिटिव है, एंगल भी हमारा थीटा है, इसी तरह से ऑब्जेक्ट है, बट इसमें क्या करना है केवल के नेगेटिव है सिग्मा वाई यानी कंप्रेसिव है, अपोजिट साइन होंगे दोनों के, तो इसको ड्रॉ करेंगे हम कैसे, किस तरह से, यहाँ से ओरियन पॉइंट से हमारा ये ओरियन पॉइंट से हम इस तरफ चलेंगे, इस बार सिग्मा वाई को हम इस तरफ लेंगे क्योंकि ये कंप्रेसिव है नेगेटिव, तो इस तरफ हमारा नेगेटिव होता है, इस तरफ पॉजिटिव होता है, और ये ऊपर पॉजिटिव और नीचे पॉजिटिव, हमारे कोऑर्डिनेट वही रहेंगे क्योंकि टाउ यहाँ पर नहीं है, शियर स्ट्रेस यहाँ पर नहीं लगा हुआ प्लेन पर, तो इसके हमारे कोऑर्डिनेट सिग्मा एक्स जीरो और सिग्मा वाई जीरो, तो ये माइनस में रहेगा, यहाँ पे टाउ यहाँ पे है नहीं, टाउ भी जीरो में है। अब जो मोहर सर्किल हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये टोटल जो डिस्टेंस थी हमारी सिग्मा एक्स, हमारा जो सेंटर मोहर सर्किल की जो रेडियस निकालते हैं सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू फॉर्मूला लगा के हम सेंटर ले लेंगे, ये यहाँ पर दोनों का सेंटर स्केल से भी नाप के ले सकते हैं और ऐसे भी दोनों का सेंटर लेके फिर से सर्किल हम ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पर हम चांदा रख के अपना एंगल वाला इस सेंटर पॉइंट पर, और देखेंगे कि हमारा टू थीटा, अगर ये थीटा जितना भी होगा उसका हम दोगुना कर देंगे मल्टीप्लाई टू से करके, और एंगल देखेंगे कहाँ पर कट कर रहा है, जहाँ पर कट करेगा वहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे ये, और सर्किल को इसने जहाँ पर भी काटा है उस पॉइंट को इस अपनी ओरिजेंटल एक्सिस से परपेंडिकुलर मिला देंगे ऊपर की तरफ, ये पॉइंट हमारा क्यू आ गया, ये पी आ गया, पी और आर यहाँ तक के डिस्टेंस हमारी सिग्मा एन होती है और ये डिस्टेंस हमारी टाउ होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी शियर स्ट्रेस होगी ऑब्जेक्ट में, यहाँ पर ये शियर स्ट्रेस जो है हमारी कितनी शियर स्ट्रेस है और कितनी नॉर्मल स्ट्रेस है। स्टूडेंट्स अगर हमें पूछे कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितनी होगी, तो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होती है हमारी स्टूडेंट्स, हमने शियर स्ट्रेस तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे कैलकुलेट करके, ये स्केल से हम कैलकुलेट कर लेंगे शियर स्ट्रेस, जितने भी सेंटीमीटर यहाँ पर होगा उसकी मल्टीप्लाई हम स्केल के अकॉर्डिंग कर देंगे, बट अगर मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम स्टूडेंट देखो मैक्सिमम कितने ऊपर जा सकता है, टाउ यहाँ पर फिर यहाँ पर बढ़ेगा फिर यहाँ बढ़ेगा, तो कितना यानी जितना यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारी डिस्टेंस है इतनी यहाँ तक यानी मोहर सर्किल की इतनी रेडियस, मैक्सिमम से डिस्टेंस कितनी जा सकती है जितनी मोहर सर्किल की आपकी रेडियस होगी। स्टूडेंट्स मोहर सर्किल की रेडियस को निकालने का आपको फॉर्मूला मैंने बताया, ये सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, तो मोहर सर्किल की रेडियस जो है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमारी होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम मोहर सर्किल इस बार ड्रॉ करेंगे, इसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस होंगी, तीन स्ट्रेस होंगे यहाँ पर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड टाउ एक्स वाई। इस बार हमारे पास जो है
शियर स्ट्रेस भी है यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट में, ये शियर स्ट्रेस भी लगा हुआ है, ये टाउ सिग्मा वाई है, सिग्मा एक्स है, इस तरह से। अब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट हमारे होंगे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, वो हमारे पास एक सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई, एक्स वाई डायरेक्शन में एक हमारे पास ये कोऑर्डिनेट होंगे इस प्लेन के, और इस प्लेन के जो कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास सिग्मा वाई इंटू टाओ एक्स वाई, जितनी भी हमारी वैल्यू होगी इसकी दोनों की, अभी यहाँ पर हम आपको ड्रॉ करना बता दे रहे हैं, न्यूमेरिकल में जो वैल्यू लेंगे तो न्यूमेरिकल में बता देंगे आपको। स्टेप में क्या है, ये स्टेप हमने डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं, स्टेप में वही स्टेप रहेगी हमारी सेकंड के, हम इस तरह से प्लॉट कर लेंगे टाओ और सिग्मा, इस एक्सिस पर हम सिग्मा लेंगे और इस पर टाओ, सिग्मा एक्स हो या सिग्मा वाई हो दोनों डायरेक्ट स्ट्रेस होती है, बट पॉजिटिव और नेगेटिव होता है इनमें, इसी तरह से शियर स्ट्रेस में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। शियर स्ट्रेस इस बार हमारे पास है टाउ एक्स वाई, तो इस बार कोऑर्डिनेट होंगे, जैसे सपोज के सिग्मा वाई था हमारे पास, सिग्मा वाई वहाँ पर कम हमने लिया है कि सिग्मा वाई जो है हमारा वो छोटा है सिग्मा एक्स से, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू ये हम समझ पा रहे हैं कि सिग्मा एक्स ज़्यादा आगे ही बढ़ेगा हमारा, सिग्मा वाई से आगे की तरफ होगा, यहाँ पर सिग्मा एक्स जो है यहाँ पर होगा, सिग्मा वाई यहाँ पर होगा, बट इसके जो कोऑर्डिनेट है वो टाउ भी हमारे पास टाउ एक्स वाई पॉजिटिव में है, वो ऐसे हमारा रोटेट कर रहा है, यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं कि ये हमारा ऐसे रोटेट करेगा, ये सिग्मा एक्स के साथ में ऊपर की तरफ डायरेक्शन दी है, ये एंटी क्लॉक वाइज होगा ऐसे, और इस वाले प्लेन के साथ में जहाँ पर सिग्मा वाई लगा हुआ है वो इस तरह से क्लॉक वाइज होगा, तो जो सिग्मा वाई के साथ में लेंगे हम वो पॉजिटिव लेंगे टाउ एक्स वाई, और जो सिग्मा एक्स के साथ में लेंगे वो नेगेटिव लेंगे एंटी क्लॉक वाइज, जैसे कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको ये कि सिग्मा एक्स के साथ में नेगेटिव नीचे की तरफ होगा जितनी वैल्यू टाउ एक्स वाई की होगी यहाँ पर, और इसके साथ में पॉजिटिव लेंगे ये वाली वैल्यू। नेक्स्ट, अब इन दोनों को हम सेंटर को इनको ऐसे मिला देंगे स्केल रख के, यहाँ पर जैसे हम इसमें दिखा रहे हैं हमने इनको मिला दिया है ऐसे, अब इन दोनों का यहाँ पर सेंटर कट गया है, यहाँ पर आपको जहाँ पर भी सेंटर मिलेगा डिस्टेंस से ये एक रेडियस हम कंपास से स्केल करके सर्किल ड्रॉ कर देंगे। नाउ आगे हम बढ़ रहे हैं स्टेप फाइव में, स्टेप फाइव में हमारा क्या है कि सी पी टू थीटा, इस तरह से हमने इसको बेस माना है, अब हमारा जो टू थीटा लेंगे हम स्केल वो चांदा रख के, अब हम इस लाइन पर एंगल नहीं लेंगे स्टूडेंट्स, हम इस लाइन पर रख के एंगल लेंगे कि हमारा जो है टू थीटा कितना हो रहा है, यहाँ से टू थीटा हमारा इतना बैठेगा, टू थीटा ये इतना टू थीटा होगा हमारा, अब हम यहाँ पे स्केल रखेंगे और यहाँ पर कट मार लेंगे, और इसको फिर इस पॉइंट को हम इस अपनी ओरिजेंटल लाइन से ऐसे वर्टिकली शो कर लेंगे, ये हमें पॉइंट मिल गया तो इसको ऐसे कर लेंगे, तो वही फिर हम पी से इस अपनी वर्टिकल लाइन तक लेके जाएंगे, ये हमारी सिग्मा एन होती है यहाँ से यहाँ तक, ये वैल्यू पी से यहाँ तक की वैल्यू सिग्मा एन होती है, और ये यहाँ से और यहाँ तक की वैल्यू टाउ होती है इस पर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमारी टाउ होती है, ये हमने यहाँ पर शो कर दिया कि ये वैल्यू हमारी टाउ होती है। सेंटर ओ सी इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, वही फॉर्मूला, सेंटर या एवरेज, एवरेज स्ट्रेस और सेंटर की बात एक ही है हमारी कि मोहर सर्किल का जो सेंटर है वो यहाँ से यहाँ तक होगा, जितना भी होगा मोहर सर्किल का सेंटर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। रेडियस मोहर सर्किल की कैसे निकालेंगे, रेडियस इस केस में हम रेडियस निकालेंगे इस तरह से सी एल स्क्वायर प्लस एल एस स्क्वायर, मोहर सर्किल की रेडियस सी एल, ये सी है हमारा सी एल स्क्वायर प्लस एल एस स्क्वायर, एल एस स्क्वायर, ये मोहर सर्किल की हम ये वाली रेडियस निकाल रहे हैं सी एस, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, हम ये करके हमारे पास सी एल जो है सी एल सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर प्लस एल एस हमारे पास टाउ एक्स वाई है, ये वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो हमारा सी टी बराबर सी पी भी होता है यही, सी टी और सी पी भी यही रहेगा, तो पी आर इक्वल टू हमारा सिग्मा एन कितना होगा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, डेरिवेशन किया था हमने प्रूफ, और टाउ इक्वल टू भी हमारा ये फॉर्मूला होता है, रेडियस जो मोर सर्किल की होती है वो ये होती है, सेंटर हमारा ये होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ओके, कोई वीडियो में प्रॉब्लम हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना।
नेक्स्ट में वीडियो में हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे आपके साथ में। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। थैंक यू।